लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान 2023 से 25 को लॉन्च कर दिया गया है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने इसकी लॉन्चिंग की। जल संरक्षण और जल संचय पर सरकार का जोर है, उन्होंने कहा। मंच पर भावुक भी हो गए सीएम मनोहर लाल। प्रदेशवासियों से सीएम मनोहर लाल ने एक भावुक अपील भी की। सीएम ने कहा कि धरती माँ को रोने मत दीजिए, धरती माँ आज चिल्ला रही है, मेरी रक्षा करें। पर्यावरण की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है आज के समय में। पानी को बचाना हमारा लक्ष्य है। सीएम ने यह भी कहा कि पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, पानी का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। पीने के पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और ऐसे में पानी को बचाना अब बेहद जरूरी हो गया है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, वो भी आपको सुनाएंगे। साधन प्राधिकरण है 20 ऐतिहासिक दिन पर जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न भागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, जैसा बताया गया 86-90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिला करके 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा, 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए, अन्य उपयोग भी होते हैं तो उन सब उपयोग के लिए, और एक पानी का एक हिस्सा वायु में भी वाष्पीकरण के माध्यम से भी उसका उपयोग होता है। वाष्पीकरण जो होता है, पानी उसमें लगता है, ये भी कोई बेकार का ऐसा वो नहीं है कि भी उसके कारण से पानी हमारा चला गया तो नुकसान हो गया। वो भी एक महती आवश्यकता है जीवन के लिए। अगर ये मॉइस्चर ना हो वायुमंडल में तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी से जल भून सकता है। तो इन सब चीजों के लिए जो उपयोग हो रहा है उसका एक सम्यक संतुलन बनाना, कहीं किसी कारण से कल को ऐसा संकट ना आ जाए कि पीने के पानी के लिए तरस जाए हम। सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी के मनुष्य को, और साथ ही अन्न की आवश्यकता है, तो अन्न भी जरूर चाहिए पानी के बना, अन्न भी नहीं होगा। वाष्पीकरण जरूर चाहिए, नहीं तो शरीर की त्वचा उज्जल जाएगी। अब इसमें 2-3 बातों का ध्यान करना है कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया, इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है, हमारी आवश्यकता कितनी है, इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। दूसरा रास्ता बचता है पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। जी का इस प्लान में काबिले तारीफ योगदान रहा है मंत्री जी से और आदरणीय मंत्री श्री जेपी दलाल जी से। दिया कि पानी को बचाना है क्योंकि जल ही जीवन है।